हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका दोस्तों परीक्षा सेंटर इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक हिंदी व्याकरण पर, और जहां पर हम स्वर संधि के दूसरे पार्ट गुण संधि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने गुण संधि से संबंधित पहले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें। पहले पार्ट को देखें, फिर आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पर शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि में हम पार्ट नंबर एक पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर टू। सबसे पहले जो हमारा काम होता है संधि के रूल को समझने के लिए, वो हम इन विभिन्न स्वरों को, जो 11 स्वर आपके बोर्ड पे दिखाई दिए दे रहे हैं, इसे हम तीन सेक्शनों में बांटते हैं। पहला भाग होता है अ से आ तक का, दूसरा भाग होता है ई से लेकर री तक का, और तीसरा भाग होता है ए से लेकर औ तक का। हम इन्हें तीन सेक्शनों में बांट देते हैं। अब हमें पता है कि जो गुण संधि का रूल होता है, वो रूल होता है हमारा 1+2=3। याद होगा आपको 1+2=3, और हम इसी में एक चीज़ और जोड़ देते हैं, छोटी मात्राएं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी गुण संधि होगी तो वहाँ पर पहला सेक्शन या तो अ या आ का प्रयोग होगा, या दूसरा सेक्शन ई से लेकर री तक का कुछ भी प्रयोग होगा, और जो बनने वाला चिन्ह होगा वो तीसरे सेक्शन ए से ओ तक के बीच में ही बनेगा। अब यहाँ पर जो छोटी मात्राएं लिखी गई हैं, तो इससे ये निर्धारित हो जाता है कि तीसरे भाग में से केवल दो छोटी मात्राएं, एक ये मात्रा और नहीं तो ये मात्रा, इन्हीं दो मात्राओं का निर्माण होता है। तो कल के वीडियो में मैंने ई अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई के निर्माण पर बात की थी। अगर अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या बनता है, तो वो ए का निर्माण होता है। हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इस पर तीन चार एग्जांपल्स हमने देखे थे, ठीक है। आप रूल अगर चेक करना चाहें तो अ और आ किसका भाग है, पहले पार्ट का, और ई और छोटी किसका भाग है, दूसरे भाग का, और बनने वाली जो चीज़ होगी वो किससे बनेगी, तीसरे भाग से बनेगी। इस तरह से इस रूल का निर्माण मैंने किया है। अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अ और आ के साथ बड़ाऊँ छोटाऊँ या बड़ाऊँ हो तो क्या बनेगा। देखिए, इस अ आ के साथ अगर इसका अगर निर्माण हो, इसके साथ इसका संयोग हो, इस चीज़ का संयोग हम इसके साथ उ या छोटी उ या बड़ी उ के साथ करें, तो जो बनने वाली चीज़ होगी वो क्या बनेगा, ओ की मात्रा का निर्माण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, ओ। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगर अ या आ के साथ छोटाऊँ या बड़ाऊँ आ जाए तो तीसरे प्रोडक्ट से ओ की मात्रा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ध्यान देने जो बात है ये, अ या आ के साथ अगर छोटी या बड़ी ई आए तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था ए की मात्रा का निर्माण होता है, और अगर अ या आ के साथ छोटाऊँ या बड़ाऊँ की मात्रा आए तो किसका निर्माण होगा, ओ का निर्माण हो जाएगा। और आपको रूल याद रखना है 1+2=3=गुण संधि। तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई डाउट होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स पर चर्चा करेंगे और उस एग्जांपल को हम देखेंगे। देखिए, एग्जांपल नंबर एक अगर मैं करूँ, सूर्य प्लस उदय, ठीक है। देखिए, सूर्य प्लस उदय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर सूर्य में कौन सी मात्रा य में छुपी हुई है, अ की मात्रा, और यहाँ पर इधर कौन सी मात्रा है, उ की मात्रा। अब आप चेक करें कि अ या उ किसका पार्ट है, तो अगर हम चेक करेंगे तो अ किसका पार्ट है, पहले भाग का, और उ किसका पार्ट है, दूसरे भाग का। अब आपको रूल याद है कि 1+2=3 क्या होता है, 3। और अगर 1+2 अगर कहीं भी आ जाए इस तरह से,
तो हम इतना कह सकते हैं कि ये जो संधि है वो कौन सी संधि है, इसे हम क्या कहेंगे, गुण संधि। बोलिए, तो सूर्य प्लस उदय कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब क्या बनेगा, तो अगर अ और उसके साथ उ आ जाए, अ या आ के साथ उ आ जाए, तो किसका निर्माण होता है, ओ की मात्रा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओ। तो मतलब अब हम इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य और इस उ की जगह पे अ और उ की जगह पे किसका प्रयोग होगा, ओ का। तो यहाँ पर ओ की मात्रा हम क्या करेंगे, लगा देंगे, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सूर्योदय। तो इस तरह सूर्योदय का निर्माण हुआ है। बात समझ में आई, सूर्य प्लस उदय बराबर क्या होगा, सूर्योदय। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर अ की मात्रा है, यहाँ पर उ की मात्रा है, तो 1+2=3, ये निश्चित हो गया। और जहाँ पर भी अ के साथ उ आए तो किसका निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा। मुझे नहीं लगता है आपको कहीं डाउट है, तो मैं इसको हल्के हल्के धीरे धीरे एक एक एग्जांपल के साथ आपको मैं बताते जा रहा हूँ, जिसके साथ आपको ये रूल बिल्कुल पूरी तरीके से याद हो जाएगा। देखिए, ध्यान देने ही है, मैं एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इस अ या आ का निर्माण का संयोग अगर छोटी उ या बड़ी उ के साथ हो तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो बनेगा। एक एक करके हम समझ लेते हैं। अगर अ का निर्माण अ के साथ हम क्या लगा दें, छोटा उ, तो क्या बनेगा, ओ, जिससे आपको याद हो जाए। अगर अ के साथ मैं बड़ा उ की मात्रा लगा दूँ तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। बोलिए, और हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो देखिए अ पहले पार्ट का है और उ किसके है, दूसरे पार्ट का, तो 1+2=3। तो ये जो बनने वाली मात्रा है ये भी किसका है, तीसरे पार्ट का ही है। इधर भी चेक करते हैं, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट, ये क्या है, देखो उ कहाँ है, दूसरे पार्ट का भाग है, आपको पता ही है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर बनने वाली जो मात्रा होगी वो क्या होगी, तीसरे पार्ट से होगी। बोलिए, मतलब कि अगर अ या अ का संयोग इसके साथ, अ का संयोग इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ओ की मात्रा बनेगी। मैं उसको भी लिख देता हूँ, अगर आ का संयोग छोटा उ से करें तो भी ओ की मात्रा का निर्माण होता है, और अगर आ का निर्माण हम बड़ाओं के साथ करें तो भी ओ का निर्माण होता है। और रूल क्या है हमारा गुण संधि का, रूल है कि 1+2=3। इसका प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अ किसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का, और उ किसका पार्ट है, सेकेंड पार्ट का। जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो किसका बनेगा, तीसरे पार्ट का। तो ओ की मात्रा किसका भाग है, तीसरे भाग का हिस्सा है। मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ गई हैं। अब हम इस पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, जहाँ से आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आइए हम एग्ज़ाम्पल्स पर बात करते हैं। देखिए, हमारे पास एग्ज़ाम्पल है एक विवाह प्लस उत्सव। यहाँ देखते हैं हम विवाह प्लस उत्सव, पूर्व प्लस उदय। इन दो संधियों को संधि विच्छेद करना है आपको, और आपको बताना है कि ये कौन सी संधि है। देखिए, मैं आपके लिए ऑप्शंस लिखता हूँ। ऑप्शन है हमारे गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और अयादि संधि। देखिए, आपको एग्जाम में दिया है कि विवाह प्लस उत्सव, आपके पास चार ऑप्शन है, गुण, वृद्धि, दीर्घ। तो आप कैसे ट्रिक करेंगे, तो आप मेरे तरीके से चलेंगे, आप तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे। अब देखिए, इस ह में किसकी मात्रा छुपी हुई है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, अ की मात्रा छुपी हुई है, नीचे वाला मैं एग्जाम्पल मिटा दे रहा हूँ। और प्लस इस यहाँ पर कौन सी मात्रा है, उ की मात्रा है। अब आप चेक करिए, चेक करेंगे तो अ किस में आता है, पहले पार्ट में, और उ किस में आता है, दूसरे पार्ट में। और अगर आपने याद रखा है कि 1+2=3 क्या होता है, गुड़ संधि, तो आप सीधे इसको ट्रिक कर देंगे, क्या विवाह प्लस उत्सव कौन सी संधि है, गुड़ संधि है। इसी प्रकार जो दूसरा एग्जांपल है हमारा पूर्व प्लस उदय। देखिए, यहाँ पर व में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, और यहाँ पर उ में कौन सी मात्रा है,
सॉरी ये उ मात्रा है। अब ये किसका पार्ट है, तो अब पहले भाग का पार्ट है और ये किसके भाग का पार्ट है, दूसरे भाग का। तो एक प्लस दो बराबर क्या होता है, गुण संधि आपको पता ही है। तो ये पूर्व उदय भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अब हमें चेक करना है कि बनेगा क्या, तो देखिए 1 + 2 = क्या होता है, 3 = क्या होता है, छोटी मात्रा है। तो आप चेक कर लेंगे कि अगर अ के साथ उ आया हुआ है तो इधर से एक छोटी मात्रा ओ का निर्माण हम कर लेंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा क्या होगा, ओ बनेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, विवाह, और यहाँ पर ऊ की जगह क्या लग जाएगा, उत्सव। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, विवाह उत्सव का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह पूर्व प्लस उदय को चेक करिए, तो क्या हो जाएगा, पूर्वोदय, किसका निर्माण हो जाएगा, पूर्वोदय। बोलिए दोस्तों, आपको अगर कहीं डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। चीज़ें मुझे लगती हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। एक बार हम फिर से एग्जांपल्स को करते हैं और फिर आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। चलिए मैं मिटा के एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, 9 + उद्धव, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका महा + उत्सव या महा + उष्मा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 अगर लेते हैं हम तो वो हो जाएगा आपका शुभ + इच्छा, शुभ + इच्छा। और ऑप्शन नंबर अगर हम 4 लें तो महती + इच्छा। ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं, 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प, मैंने 4 उदाहरण चूज़ किए हैं। अब हम इसको एक एक करेंगे। देखिए यहाँ पर 9 में व में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, और यहाँ पर उ में किसकी मात्रा है, बड़ा उ की मात्रा है। अब आप चेक करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, अ किसका भाग है, पार्ट नंबर 1 का, और वो किसका भाग है, पार्ट नंबर 2 का। तो यहाँ से ये निश्चित हो गया कि ये कौन सी संधि है, गुड़ संधि है। और गुड़ संधि के रूल में 1 + 2 = 3 छोटी मात्राओं का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, ओ का। सिंपल सा आपको याद हो गया। अब हम इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नवोढा। ये क्या हो जाएगा, नवोढा। इस उ की जगह पर हम ओ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर महा में ह में आ की मात्रा है और इधर किसकी मात्रा है, बड़ाओं की मात्रा है। तो यहाँ पर जो बनने वाला होगा वो क्या होगा, ओ होगा। अब आप चेक करेंगे, 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, और ये क्या है, 3 पार्ट है, मतलब हमारा सही है। ये कौन सी संधि है, गुड़ संधि है। तो इसे हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, महोत्समा। इस बन के क्या तैयार होगा, महोत्समा तैयार होगा। दोस्तों आपको अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब देखिए शुभ + इच्छा, तो ये शुभ में अ की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर क्या हो गई, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो हम चेक करेंगे तो ये पहला पार्ट है और ये क्या पार्ट है, दूसरा पार्ट है। लेकिन कल के वीडियो में हमने पढ़ा है कि अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए तो किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा, लेकिन पार्ट नंबर 3 से ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, शुभेच्छा। तो ये क्या बनेगा, शुभेच्छा का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों आपको कहीं भी डाउट है तो बताइएगा। अब देखिए अगला एग्जांपल है हमारा महती + इच्छा। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ई और यहाँ पर क्या है, छोटी ई, ये कौन सी संधि है। अगर आप चेक करेंगे तो ये 2 + 2 हो जाएगा, और मैंने बताया है कि जब भी एक ही सेक्शन बार बार आते हैं तो ये कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। तो ये महती + इच्छा कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि। हम पार्ट नंबर 1 या संधि के पहले वीडियो में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, बनने वाला जो चीज़ होगा वो क्या होगी, बड़ी मात्रा का निर्माण ही करती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये महती + इच्छा। तो दोस्तों ये था हमारा गुड़ संधि से कुछ इम्पॉर्टेंट रूल, और आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में कहीं कमी है तो मुझे बताइए, मैं इसमें सुधार करूँगा। और आप इस रूल को याद करिए, 1 + 2 = 3 = छोटी मात्राएँ = गुड़ संधि। और आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक पर। और
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।